दिल्ली में एमसीडी चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और तमाम पार्टियों के नेता अलग अलग दावे कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाजपत नगर के 144 नंबर वार्ड में और आप तस्वीरों में देखिए कि दिल्ली सरकार दावा करती है कि हर घर को 20,000 लीटर पानी फ्री दिया जाता है, लेकिन यहां पानी को मोहताज ये लड़कियां पढ़ने की उम्र में पानी भरने को मजबूर हैं। और ये पाइप से देखिए, देखिए जड़ा जड़ा इसमें देखिए कि देखिए यही पानी का है, पानी आ नहीं रहा है, ये डब्बा से पानी ऐसे भर रही है और घर ले जा रही है। और देखिए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और समझते हैं कि क्या उनको पानी। भैया नाम क्या है आपका? वो अभी बत कह दिया, नाम क्या बताओ ना। अरे बताओ ना नाम। अरे देखो और आंटी इधर आओ, आओ देखिए। अरे बताओ कि भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिश्चंद चौरसिया जी। हाँ, क्या पानी वानी का समस्या है? सरकार कह रही है कि फ्री में पानी दिया जा रहा है। नहीं, सिर्फ सरकार तो कहने के नाम की है कि कह रही है, बाकी मिलता क्या? आप देख लीजिए क्या हाल है यहाँ पानी का। आज से नहीं, यहाँ कम से कम 20-25 साल से यही समस्या है। लोग बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पाते, पानी चक्कर में लगे या पढ़ाई करने जाए, पढ़ाई करने जाते हैं तो पानी नहीं मिलता, पानी मिलता है तो पढ़ाई नहीं करने जा सकते। यहाँ की समस्या बहुत ज़्यादा है, सिर्फ पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है। और समस्या भी है लेकिन धीरे धीरे सब चलन सार, लेकिन ये जो है ज़्यादा ही मूलभूत सुविधा में आती है। हाँ जी, बाकी कितना टाइम पानी आता है यहाँ? यहाँ पानी सुबह जैसे चालू कर देते हैं 5 बजे करीब चालू हो जाता पानी, आता 8 बजे तक। पर वो ये नल कितनी है देखो, यहाँ झुग्गियाँ 1200 से ज़्यादा है, 1200-1500 झुग्गियाँ। इनके लिए ये 6 नल इधर है, 6 इधर है, 12 नल है। अब 1200 झुग्गियाँ भरने के लिए कितना टाइम चाहिए? बहुत टाइम चाहिए। पर वही है, जो तगड़े लोग हैं वो भर लेते हैं, जो कमज़ोर रहते वो नहीं भर पाते, तो ये समस्या ज़्यादा है। पानी मिलता ही नहीं, ये पानी मिलता ही नहीं। तो ये सरकार जो कह रही है कि फ्री में पानी दे रहे हैं, फ्री में बिजली दे रहे हैं और जनता को मिल ही नहीं रही है, किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा। हाँ, ये सिर्फ कहने वाली बात है, जो किसी को मिल रहा हो, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। मेरा खुद मीटर का बिल आया 300 रुपये। अच्छा, मैं खुद भर के आया हूँ, मेरा तो हर महीने भरा जाता रिकॉर्ड, मैं तो फ्री वाला हिसाब नहीं चाहिए। तो एमसीडी चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? माहौल ये है कि यहाँ का जो माहौल है सबसे ज़्यादा बीजेपी का माहौल है, बाकी अभी ना समझ रहे हैं लोग, कुछ नहीं समझ पाते। क्यों बीजेपी? क्यों बीजेपी? देखो आज तक जहाँ तक कर रही है काम, सारा काम बढ़िया कर रही है, हर फैसला दिमाग से शांतिपूर्वक से लेता, हर फैसला बढ़िया करने जा। आपके तरफ से उम्मीदवार कौन है? हमारे तरफ से तो अभी हमने ये देखा कि मारवा के बीजेपी की टिकट मिली है, अर्जुन मारवा जी को मिला है, तो उनका तो यहाँ फुल चांस है जीतने का। अच्छा, हाँ जी, फुल चांस है जीतने का। पहले हमने प्रवीण कुमार जी को खूब मौका दिया, लेकिन प्रवीण कुमार जी, क्या नाम है आपका भैया? मैंने रवि कुमार जी। अच्छा, क्या लगता है क्या समस्या है आपके क्षेत्र? समस्या तो भाई साहब बहुत है, पानी की समस्या। देखो फर्स्ट बार तो क्या है, पानी की समस्या यहाँ से सबसे गंभीर बात पानी की, उसके बाद में क्या है गंदगी की। गंदगी क्या है जी, देखो हमारे जैसे मान लो विधायक जी हैं। कौन है विधायक? विधायक हमारे यहाँ के प्रवीण कुमार हैं, वो तो कहने का मतलब है अभी पिछली बार जब जीते थे तो 3 बार से जीते हैं। नहीं, 3 बार तो जीते हैं, तो पिछली बार मतलब जो पहली बार जीते थे तो उसका तो कोई वो ही नहीं था कि भाई काम करने का मुद्दा है कि नहीं है, वो तो निकल जाती है 10-20-15 दिन में। उसके बाद दूसरी बार जब जीते वो तो थोड़ा बहुत काम धंधा किया, उसके बाद में अब जीते हैं तो अब तो भाई साहब 1-2 बार आए, इतना गंदा पानी आया था पैपों के अंदर, कीड़े पीने लायक नहीं है। हम भी क्या है, तो फिर पानी कहाँ से पीते हो आप? पानी नहीं, ये पानी तो ना, ये पानी इधर आइए, इधर चढ़ा आइए, आप लोग पानी खरीद के पीते हैं? हाँ, ये इधर आइए थोड़ा सा आगे। ये जो पानी है ना, हाँ, ये पानी सिर्फ यूज होता है कपड़े वगैरह के लिए, पीता कोई नहीं है, इससे बीमार हो गए और बच्चे। कैसे लीटर पानी खरीदते हैं आप? 25 रुपए की एक बोतल लेते हैं लोग। दिन भर में कितना पैसा खर्चा होता है पीने पर? अभी तो 2 बोतल चलती हैं और पहले चलती थी 4 बोतल गर्मी के महीने में। अभी 100 रुपया लगा लो दिन। हाँ जी, हाँ जी, एक आदमी का। अच्छा, तो यानी कि 3,000 पानी पी जाते हो आप, है? और ये जो है ना 3,500 रुपये का आता है। ये जो टंकियां लगी थी ये कांग्रेस के राज में लगी थी, जब हमारे विधायक थे मारवा जी। अच्छा, वो कांग्रेस से तो कांग्रेस से थे वो, तो उन्होंने अच्छा काम किया, किसी की अगर कोई मतलब मदद करते थे मदद भी होती थी यहाँ। लेकिन हमारे विधायक जी जो अभी प्रवीण कुमार जी, वो नज़र भी नहीं आते अब तो काफ़ी समय से, बिल्कुल भी नहीं। नहीं तो अगर मानते विधायक आपको चुन के दिया है तो आप
अगर ऐसा नहीं तो अगर वो कोई बंदा आपके पास नहीं जा रहे कंप्लेंट लेके तो आप भी तो जा सकते हो, या ये थोड़ी ना है कि आप पाँच साल में एक बार आओ और उसके बाद भूल जाओ। मतलब विधायक ग्राउंड से गायब है? बिल्कुल ग्राउंड से गायब है, बिल्कुल जी। अभी भी आएंगे इलेक्शनों के बाद, अभी तो आए नहीं, अभी किसी के साथ आएंगे इलेक्शनों के बाद में तो उनके साथ रखेंगे मुद्दा, तो कहेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 144 वार्ड नंबर में मौजूद हूँ और यहाँ पर पानी की समस्या है, कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है दादी आपका? अरे मैं क्या बताऊँ, अरे बताओ ना नाम क्या आपका? क्या नाम बताऊँ, मैं दसी फेरा वीडियो बन गई, क्या बताऊँ मैं। ये पानी वानी मिलता है? कोई नहीं करता। पानी वानी मिलता है आप लोग को? हाँ बतेरा पानी मिलता है, मोल का पी रहा है, खरीद के पी रहे हो पानी? और क्या। और केजरीवाल कह रहे हैं कि फ्री में पानी पिला रहे हैं? फ्री में पी लो, ले जाओ भर के ले जाओ, पी लियो अपने घर पे। अच्छा पीने लायक पानी नहीं? हाँ, है ये सड़ा पानी आता है, ये भी नहीं मिलता ढंग से, खरीद के पानी पी रहे हैं? और 30 रुपए की एक बोतल आती है वो पी रहे हैं। अच्छा पानी भी खरीद के पी रहे हैं। आपका नाम क्या है आंटी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम चिल्ला है। अच्छा ये पानी की जो समस्या है तो आप लोग को पानी वानी नहीं मिल रहा है, किस मुद्दे पर वोट की? नहीं मिल रहा, वो देखो बच्चे सब लगा रहता तो या, तो या, तो या, तो या, उठाते रहता। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि फ्री में पानी दे रहे हैं? कोई नहीं दे रहा पानी, देखते हो आप सामने में देखते हो पानी कोई दे रहा है? वो बच्चे सब डिब्बा लेकर के उधर उधर रहा है, पानी मिल ही नहीं रहा, नहीं मिल रहा। क्या किस मुद्दे पर वोट दीजिएगा? आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है? हम तो फूल साफ पड़ देंगे। फूल छाप? क्यों फूल छाप पर? क्यों? हाँ छाप पर वही पर देंगे। क्यों? हाँ वही जीतेगा, ये अथी लगा दिया है। क्या लगा दिया? नलका लगा दिया हुआ। अच्छा। हाँ, तो ये जनता की समस्या है और अलग अलग नेताजी दावे करते हैं लेकिन हकीकत यही है कि देखिए कैसे पानी भरा जा रहा है। एक एक बूंद को जो हम बोलते हैं वो मोहताज हैं लड़कियां घर में पानी ले जाने के लिए, और ये पढ़ने का उम्र है और यहां पर पानी भर रही है। यही दिल्ली केजरीवाल सरकार का लंदन और पेरिस मॉडल है कि बच्चे पानी के लिए मजबूर हैं। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया दावा किया जाता है, लेकिन इंडिया कब पढ़ेगा? जब इन समस्याओं से निजात मिलेगी तब इंडिया पढ़ेगा।